सुबह से प्लान कर रहा हूँ व्लॉग स्टार्ट कर दूँ आज। 4:26 हो रहा है, 4:28 हो रहा है, अभी तक स्टार्ट नहीं कर पाया, अभी कर रहा हूँ। अभी ये व्लॉग दो चीज़ों के लिए बन रहा है। एक, अभी वेस्ट बंगाल एंड कोलकाता में लॉकडाउन अनलॉकडाउन चल रहा है, एंड दूसरा मैं वीडियो के एंड में बताऊँगा। संडे को शाम को नहाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। सारा दिन ऐसे पूरा लेटे रहो एंड शाम को नहा के फ्रेश हो जाओ, क्योंकि आपको गर्लफ्रेंड के पास जाना है। जब भी आप हेयर सेट करो उससे पहले अपना ऊपर का पंखा ज़रूर बंद कर देना, नहीं तो हेयर इधर का उधर, उधर का इधर हो जाने वाला है। गाइस, और एक चीज़, सफ़ेद आज के दिन पहनना मना है, बताता हूँ क्यों। क्योंकि आज बाइक लेकर निकलना है गाइस। अगर आज सफ़ेद कपड़े पहन के हम बाइक लेकर निकले तो सफ़ेद का तो काला हो जाने वाला है। और आज बाइक लेकर निकलने का यही मतलब है क्योंकि आज बहुत दिन बाद कोलकाता में बारिश नहीं हो रही है, और वेदर फोरकास्ट में मैं देख लिया कि आज बारिश होने नहीं वाला, बट श्योर नहीं है गाइस। आज थोड़ा रिस्क लेके देखते हैं एंड खुली हवा में बाइक उड़ा के देखते हैं। बट जाने से पहले डू नॉट फॉरगेट टू कैरी योर हैंड सैनिटाइजर। चलो निकल तो गए एंड लग तो रहा है कि बारिश भी हो जाए, क्योंकि बादल दिख रहे हैं आसमान में एंड बहुत दिन बाद मोटो व्लॉगिंग कर रहे हैं गाइस। मुझे ऐसा खतरनाक वाला वाइब आ रहा है कि आज निकल तो गया बाइक लेके, बट चला बारिश आने वाला है, लग तो रहा है। बारिश ना आए बस, और जो आए आए। मुझे क्यों ऐसा दूर में लग रहा है कि बारिश हो रही है। जैसे कि हम अभी जा रहे हैं न्यू टाउन, क्योंकि उधर ही अभी ऐसी जगह है कि खाली खाली रहता है, क्योंकि इस सिचुएशन में ज़्यादा भीड़ भाड़ जाएगा, जाना सही नहीं रहेगा। अरे मक्खी घुस गया मुँह में। लॉकडाउन के टाइम पे वो भी संडे है एंड फिर भी गाड़ियाँ बहुत दिख रही है कोलकाता में, बट सही है, थोड़ा तो चलना भी चाहिए क्योंकि रेड सिग्नल का इम्पोर्टेंस कैसे पता चले नहीं तो। एंड दिस इज़ वाई आई लव न्यू टाउन, बिकॉज यहाँ से रोड्स मज़ा आ जाती है यहाँ पे। और आज हम भगा भी सकते हैं, बट ज़्यादा भगाने के भी फ़ायदा नहीं है, आपका नुकसान ही है, क्योंकि आपका पेट्रोल ज़्यादा पी लेगी आपकी बाइक। आपको बता नहीं सकता मैं कितना मज़ा आ रहा है मेरे को आज मोटो ब्लॉगिंग करने में और बाइक निकालने में भी, क्योंकि बाइक आज हम मोटा मोटी पकड़ लीजिए 15 दिन बाद निकाल रहे हैं, क्योंकि 15 दिन से लगातार बारिश ही हो रही थी, तो थोड़ा हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा एंड क्या बोलूँ, कैसे आपको बयां करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। लवली वेदर, थोड़ा भगा के हम यहाँ से राइट लेते हैं। सो ये मेट्रो का काम चल रहा था, होके रखा है 2-3 सालों से, अभी तक तो हुआ नहीं, चलो और हम 10 साल वेट कर सकते हैं। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है एंड मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। नीचे नहीं आने क्या? आज मैं आप लोगों को एक सीक्रेट से टिप बता देता हूँ, जरूर फॉलो करना, जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको गर्लफ्रेंड से 10-15 मिनट में मिलना है तो आप कम से कम 1 घंटा पहले उसको कॉल करके बोल देना कि मैं पहुँच चुका हूँ, आप आ जाइए जल्दी, फॉलो करना जरूर। फाइनली आ गई 1 साल बाद, मैं यहाँ से 1 साल से खड़ा हूँ, बैठी हूँ। फोन तो चेक करो तुम्हारा। हाँ फोन आया 1 सेकंड पहले। और ये क्रेटा वाली हॉर्न ना मेरे को बहुत बहुत तंग करता है यार। वही वाला हॉर्न चाहिए इसको, वही वाला हॉर्न चाहिए, क्योंकि ये अभी कहाँ जाना है बताओ।
तुम भी मास्क पहनी हो, मैं भी मास्क पहना हूँ, कोई मतलब आज हम लोग कोई भी कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकते हैं। तो बस अभी हम यहाँ न्यूटन बस स्टैंड में आके बैठे हैं, बाकी लोग भी बैठे हैं, बहुत दूर दूर है क्योंकि अभी रेस्टोरेंट वगैरह जाना, कैफ़े वगैरह जाना सही नहीं लगता मेरे को। तो थोड़ा नेचर में रहो, हल्की हल्की हवा खाओ, बारिश के बूंदे भी एंजॉय करो अगर होए तो, नहीं हो रहा है तो फुली ना हो। हमारे दादू के लिए वेट कर रहे हैं, एक दादू है यहाँ पे, बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, उसके लिए वेट कर रहे हैं। एंड मैत्री भी अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट करने वाली है, तो उसके लिए अपने देख रहे हैं कि क्या ले सकते हैं, कैमरा ले या फिर एक आईफोन ले लें। तो वही आईफोन देख रही है, क्या देख रही हो? आईफोन 11 देख रही है। अच्छा लग रहा है क्या? नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, ये वाला कलर ग्रीन। तो आईफोन का ग्रीन कलर मेरे को सबसे बढ़िया लगता है। एंड मैत्री बोल रही है कि उसको ब्लैक पसंद है, बट सीरियसली बोलूँ तो ग्रीन बहुत ही मतलब एक यूनिक से लग रहा है। तो आप बताइए पर्पल? हाँ तुम लोग लड़की वाला हो तो पिंक भी ले सकती हो। तो ये एक अच्छा चीज़ है, मतलब आप अगर नॉर्मली स्टार्ट करना चाहते हो तो जस्ट एक आईफोन ले लो एंड शुरू कर दो। ये मतलब वो भी नहीं है कि आपको आईफोन ही ज़रूरत है, आप नॉर्मल मोबाइल से भी कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ। मैं ये सैमसंग के मोबाइल से कर रहा हूँ क्योंकि कैमरा लेके आया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बारिश हो जाए। एंड अरे यार माइक तो लाया ही नहीं। हम दोनों आप लोगों को एक टिप देना चाहते हैं, अगर आप लोग मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो एंड आप लोगों को लॉकडाउन के टाइम पे मिलना है तो आप मत मिलिए। 7:10 हो गए एंड हम लोग सोच रहे थे थोड़ा कुछ खा ले, बट अभी मतलब इतना टाइम पहले जब नहीं सोच रहे थे तो इधर से कुछ जा रहा था, बट अभी बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो कोई नहीं है, खाली वेट कर रहे कब आए। जो पीछे बैठा है, जो पीछे मतलब खाने की दुकान तो है बहुत, बट हम लोग बहुत ही लेजी है, जाने का मन नहीं। अगर कोई आता है और देख के जाता है तो अलग बात है। बीच बीच में ना स्नीजिंग का मतलब हो रहा है, फीलिंग आ रहा है, बट डर लग रहा है अगर से यहाँ पर स्नीजिंग वही स्नीजिंग गलती से भी हो गया ना यार, हम तो गए। बट जो भी है मेरे को चाय की तलब है। चाय किधर है? चाय है किधर? चाय घटी गरम, कुछ नहीं मिल रहा है यार। तो दाव दो दसी दो। खाना तो ले लिया बट सैनिटाइजर भी तो दरकार है। तुम ले ली ना? सैनिटाइजर मस्ट है भाई, घटी गरम। फाइनली गाइस हम लोगों को चाय मिल गई। यहाँ के यही खासियत है कि आप इधर आके बैठो, खाना वाना खाओ, आपको देखे जाएगा एंड आपको टिप भी देना नहीं पड़ेगा। तो गाइस हम लोगों का अभी टाइम हो गया, आप 9 बजने वाला है एंड हम लोग अभी सी ऑफ करने वाला है। कल फिर से मिलते हैं, टाटा। अभी वीडियो का एंड करने का टाइम आ गया। तो और वीडियो के पहले मैं बता दिया था कि ये वीडियो हम बना रहे हैं दो चीज़ों के लिए। एक तो हो गया अभी कोलकाता एंड वेस्ट बंगाल में लॉक अनलॉक चल रहा है, एंड दूसरी बात मैं अभी बता देता हूँ, आज अनलॉक डे था एंड नेक्स्ट लॉकडाउन होने वाला है नेक्स्ट ट्यूजडे को। तो यही बात था गाइस। एंड वेट, ऐसे कैसे चलेगा? इस वीडियो का तो इंट्रो बोलना ही भूल गया था आज हम, तो अभी बोल देते हैं। हेलो भाई, नमस्कार नमस्ते सलाम गाइस, दिस इज प्रभात एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल गाइस, डू सब्सक्राइब।